हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश की पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है जहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त या ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा होता है। तो एक ऐसी लैंड या ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ क्या हो, अस्त व्यस्त हो, इधर उधर बिखरा हुआ हो या उल्टा हो, उसको हम कहेंगे टॉप्सी टर्वी लैंड। तो पोएम में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। Have you ever thrown your school bag on your bed? तो क्या आपने कभी आपका स्कूल बैग अपने बिस्तर पर फेंका है स्कूल जाके? Have you ever left your shoes and socks here and there? क्या आपने कभी आपके शूज और आपके सॉक्स जो हैं वो इधर उधर फेंके हैं? Have you ever played with your ball in your room? तो क्या आपने रूम में कभी अपनी बॉल के साथ आप खेले हो? Does your room sometimes look like this? तो आप ये रूम को देखो अच्छे से और बताओ कि क्या आपका रूम भी कभी कभी इस तरह का दिखता है, सारा सामान इधर उधर पड़ा है, ऊपर नीचे अस्त व्यस्त। तो आपसे पूछ रही थी कि आपका कमरा भी ऐसा ही दिखता है कभी? तो इसी को हम कहेंगे टॉप्सी टर्वी लैंड, जहाँ पर सारा सामान जो होता है अस्त व्यस्त होता है, ऊपर नीचे होता है। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। तो अब हम कुछ ऐसे ही अपसाइड डाउन लैंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो कैसा हो जिसमें सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही होंगी, ऊपर नीचे हो रही होंगी। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। तो ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पर लोग जो है अपने सर के बल चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये अपने सिर के बल चल रहा है। द सी इज मेड ऑफ सैंड। और समुद्र जो है वो किसकी बनी है? सैंड रेत की बनी है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट। और बच्चे जो है वो रात को स्कूल जा रहे हैं। सारा कुछ उल्टा हो रहा है इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है? बच्चे जो है रात को स्कूल जा रहे हैं। समुद्र जो है पानी का बना होना चाहिए लेकिन रेत का बना हुआ है। और लोग जो है अपने सिर के बल चल रहे हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। और आपका जो फ्रंट डोर आगे के दरवाजे की जो सीढ़ियां हैं वो कहाँ पर है? पीछे साइड को है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। और जब आप खड़े हो तो आप चल रहे होते हो, ठीक है? यानी कि अगर कोई चल रहा है तो आप उसको कहेंगे दैट ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है। कहाँ पे? टॉप्सी टर्वी लैंड में। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। और आप क्या करते हो? अपनी जो टोपी है वो अपने पैरों में पहनते हो इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या क्या करते हैं? आपका जो दरवाजा होता है आगे का वो पीछे की ओर होता है। और आप जब चल रहे हो तो तब आप कहते हो कि आप खड़े हो। और आप अपनी टोपी कहाँ पहनते हो? अपने पैरों में पहनते हो। एंड बसेस ऑन द सी यू विल नीड। और वहाँ पे आपको बसेस कहाँ पे दिखेंगी? समुद्र में चलती हुई दिखेंगी। लेकिन बसेस एक्चुअल में कहाँ पे चलती हैं? रोड्स में चलती हैं। व्हाइट लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन एंड स्ट्रीट्स। और जो बोट्स आपको दिखेंगे कि गलियों में चल रही है, रोड्स में चल रही है, लेकिन बोट्स कहाँ चलनी चाहिए? पानी में चलनी चाहिए। ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में तो सब कुछ उल्टा होता है ना। तो वहां पर बस जो है वो पानी में चल रही है और बोट जो है वो लैंड में चल रही है, यानी कि रोड में चल रही है, स्ट्रीट्स में चल रही है। यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट। और आपको उस चीज के पैसे देने होते हैं वहां पे जो आपको कभी मिली ही नहीं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर व्हेन यू गो आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो जब टॉप्सी टर्वी लैंड में जाते हो, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, ये क्या होना चाहिए? काफी बड़ा होना चाहिए। तो ये जो पोएम है किससे लिखी है? एच ई विल्सन ने। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है? सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। आप क्या करेंगे वहाँ पे? सर के बल चलेंगे और पैरों में आप अपनी टोपी पहन लेंगे। और वहाँ पे आप वो पे करते हो, उसके लिए पे करते हो जहाँ जो आपको कभी मिलता ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट इसके हम वर्ड्स देख लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। टॉप्सी टर्वी लैंड का मतलब होता है अपसाइड डाउन। प्लेजर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। आप जब बहुत किसी चीज को बहुत एंजॉय कर रहे होते हो। ग्रैंड का मतलब बिग, बड़ा, बहुत ज्यादा मजा जब आता है उसको ग्रैंड कहते हैं, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन आंसर एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? रात को जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन व्हेन टू स्कूल एट नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। इन द पोयम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल। तो पोयम के अकॉर्डिंग अगर बस जो है समुद्र में तैर रही है तो बोट्स कहाँ पर ट्रेवल कर रही है? बोट्स ट्रेवल ऑन द रोड।
वाई शुड इट राइटली भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज टॉपसी टर्वी लैंड. द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर लैंड. जो टॉपसी टर्वी लैंड है वो हमारे लैंड से बहुत अलग है ना, क्योंकि हम हमारे लैंड में पैरों से चलते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में हेड से चलते हैं. हम हमारे लैंड में हेड पे अपनी टोपी पहनते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में पैरों पे टोपी पहनते हैं. लेट ड्रॉ कंपेरिजन बाई फिलिंग इन सेंटेंसेज वेर एवर नीडेड. तो हमें यहाँ पे कंपेरिजन करना है, तुलना करनी है हमारे लैंड की और टॉपसी टर्वी लैंड की. पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. देखो टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे या लोग जो है अपने सिर के बल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीपल वॉक ऑन देयर लेग्स, अपने लेग्स की हेल्प से चलते हैं, या वॉक ऑन देयर फीट. यहाँ पे देखो अवर लैंड, हमारे लैंड में द बस इज रन ऑन लैंड. बस जो है वो जमीन पे चलती है, लेकिन इन टॉपसी टर्वी लैंड द बस इज रन ऑन द सी, समुद्र में चलते हैं. दे वेयर देयर हेड्स ऑन फीट. टॉपसी टर्वी लैंड में टोपियाँ जो है पैरों में पहनते हैं, लेकिन हमारी लैंड में क्या करते हैं, हमारी जमीन में क्या करते हैं, दे वेयर देयर हेड्स ऑन हेड, सिर में पहनते हैं. और हमारे लैंड में बोट सेल इन द सी, जो बोट है, जो नाव है, वो समुद्र में तैरती है, समुद्र में चलती है. लेकिन टॉपसी टॉवी लैंड में द बोट्स ट्रैवल ऑन द लैंड, लैंड में चलती है. टॉपसी टॉवी लैंड में क्या होता है, पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट. लोगों को उन चीज़ उस चीज़ के लिए देना पड़ता है पैसा जो उनको कभी नहीं मिलता है, जबकि हमारे लैंड में पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, वो उनके लिए पैसे देते हैं जो उनको मिल जाता है. तो ये कंपेरिजन था किसका, टॉपसी टॉवी लैंड का. ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है. तो टॉपसी टर्वी लैंड क्या ऐसा लैंड होता है जहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी होती है, वहाँ पे दरवाजे उल्टी साइड को होते हैं, और क्या होता है, बच्चे उल्टा चलते हैं, रात में स्कूल जाते हैं, है ना. और जो बोट्स जो है वो लैंड में चलती है, और क्या होता है, बसेस जो है वो सी में चलती हैं. तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.